नमस्कार दोस्तों, आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिल का सहरी है। फाजिल का के मलोट रोड पर गांव अभुन के समीप एक ढाणी पर महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला द्वारा दो लोगों पर दुष्कर्म के आरोप लगाए गए हैं। महिला का कहना है कि मदद के बहाने दो लोगों द्वारा उसके साथ जबरदस्ती की गई। महिला का मेडिकल फाजिल का के सिविल अस्पताल में करवाने के बाद थाना सदर पुलिस द्वारा इस मामले में महिला के बयान कलमबद्ध करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फाजिल काका यह मामला है। फाजिल काके मलोट रोड पर एक ढाणी में ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस द्वारा इस संदर्भ में जांच शुरू कर दी गई है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। असी गए सी पूजा का समान तारन, वो पक्की सलामे लेने वापसी आई जाते तार के फोन तो अड्डे तो पिछे कटानी हैगी सी। मैं उत्थे कटिवा रोड ते लई आंदी सी, ते कटिवा मैं टेढ़ी करके ये दो आदमी आए ने। दो आदमी ये मैनू पुछदे मदद तेरी करिए। मैं कह नहीं अंकल, नहीं मेरी मदद नहीं, मैं आप जाती रहूँगी घरे, मेरी टहनी लग गए। मैं क्या मैं आपे जाती रहूँगी। इन्ना चिर मेरी एक्टिवा की चाबी काढ़ ली ने, मेरी कोटी की जेब च हैगा सी फोन, वो काढ़ लिया ने। मैं भजी हाँ, मेरा दुपट्टा खींच लिया ने, मेरा दुपट्टे नाल बाहां बन लिया ने, दोनों बाहां बन के मैं आपकी टहने से लै गए खिच के। दोनों जने खिच के लै गए ने अभी ठाणी के कमरा, कमरे के अंदर बंद कर लिया ने। पहले दोनों जने हरकत करते रहे ने, मुड़ एक जना बाहर गया है तो एक जना अंदर सी जी। फिर एक जना फिर वो अंदर आ गया, दूजा बाहर चला गया। बड़िया गंदिया तू गंदिया हरकत कीतियां ने करके मैनू मेरे फोन विच नंबर लाया ने, मिस कॉल मारी ने। मिस कॉल मार के मैनू कहिंदे हुण लोड़ पवे तां तू फोन कर लवीं। मैं कहिंदे करे नहीं कोई गल दसनी, तैनू पिस्तौल इन्हां दे कोल सी, तैनू जींदी नू गोली मार देवांगी। मैं कह नहीं, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे अगे ने। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਐਕਟੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਐਕਟੀਵਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਕਟੀਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇੜ ਤੇ ਲਈ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਟਾਣੀ ਤੋਂ ਅੰਗਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਖਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਐਕਟੀਵਾ ਖੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੁੰਡਿਆ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਰੋਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ? 7 ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜੀ? 8:30 ਵਜੇ। ਮਤਲਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਟਾਣੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਰੇ ਕਿਵੇਂ? ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੋਂ? ਸੜਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਆਪਦੀ ਟਾਣੀ ਚ ਖਿੱਚ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀ, ਕੋਈ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਖਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਚੂਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰਲੀ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਖਰਾਸ ਵਾਲੀ ਢਾਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕੂਟੀ ਕਿਤੇ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ।
परसों की गल है, कल वो जरा मेडिकल होया जी, मेडिकल होने तो बाद कल एक दो बजे के करीब इतने पहुँच गया। अज लगभग समा करीब करीब हो चलिया मेरे ख्याल 3 बज चले जी, 3 बजन तक का परसों की गल है, हाले तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। असी सवेर के इतने आए हुए हैं, एस एच आप हूँ एक घंटा डेढ़ पहला मिले हैं जी, असी सारे जने इकट्ठे होकर उन्होंने नाल गलबात की भी वो बंदियों को तो फड़ के लियाओ। हाले कह रहे थे असं इनकुआरी करा, इनकुआरी करने तो बाद असं देखा सोचा, अभी चाहते हैं जी वो बंदे को फड़िया जाए। उदों तो बंदी कार्रवाई की जी, बस एस और कानून के कटहरे उन्होंने खड़ा किया जाए, जो उन्होंने दोष किया उन्होंने गलत किया उन्होंने सज़ा दी जाए, बस दैट्स ऑल साड़ी कह बनती है। आपने किस तरह से पीड़िता द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, थाना सदर पुलिस द्वारा इस संदर्भ में जांच शुरू कर दी गई है, महिला के बयान पुलिस द्वारा कलमबद्ध कर लिए गए हैं। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं थाना सदर के प्रभारी बलबीर सिंह से, विधिक पास से जानकारी दे रहे हैं आपको, लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। एक महिला दाखिल हो गई सी खरास वाली टाणी दी, उन्हें रोप लाए से भुन को कोई टाणी आ सुखपाल सिंह नाम दा दसदी आ, वह कि उन्हें मेरे नाल गलत रेप किया, उस संबंधी सब इंस्पैक्टर परमिला राणी आ उन्हें बयान हासिल कर लिया, तो असं उसकी पड़ताल कर रहे हैं, पड़ताल करके कार्रवाई करांगे। इस संदर्भ में थाना सदर पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है, अब जांच में ही पता चल पाएगा कि आखिर इस मामले में कितनी सच्चाई है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।